भी मेकअप किया है ये सारे प्रोडक्ट्स शुगर कॉस्मेटिक्स से हैं तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज करूंगी मैं सारे के सारे लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गो एंड हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन आई मेक ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट हर ऑन माई चैनल आई होप यू गाइज एंजॉय इट हियर सो या नाउ विदाउट एनी फर्द ब्लाबरिंग दीडियो डी so कर चुकी हूँ तो अभी हम प्राइमर के साथ स्टार्ट करेंगे और आज मैं ये दो प्राइमर यूज करूंगी माई पोर्सो तो मैं अपने टीजोन पे लगाऊंगी जहां से मेरे ज्यादा ऑयल सिक्रियट होता है या जहा पे मेरे ज्यादा पोर्स विजिबल है दिस इज अ रियली गुड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आई रियली लाइक इट और ये स्टिक फॉर्म में आता है तो अप्लाई करने को भी काफी ईजी हो जाता है आफ्टर दैट मैं ये वाला प्राइमर यूज करने वाली हूँ ये आ, शुगर का कलर करेक्टर प्राइमर है सो आई एम यूजिंग इट इन द शेड ऑरेंज और इसको मैं अपनी ओन एरियाज में लगाऊंगी जहाँ पे मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है अब बिकॉज़ ये प्राइमर है तो ये काफ़ी लाइट है एंड इट डज़ नॉट एड दैट एक्स्ट्रा लेयर टू योर मेकअप एंड इट डज़ नॉट फील हैवी बट स्टिल ये आपके पोर्स ब्लर कर देता है आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है प्लस अगर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है तो वो भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है बिकॉज यू कैन सी द ऑरेंज कलर इज क्वाइट प्रोमिनेंट तो अगर आपको हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है इतनी नहीं है कि कलर करेक्टर की जरूरत पड़े सो यू कैन गो अहेड विद दिस वन सो आई एम ब्लेंडिंग इट यूजिंग माई फिंगर्स ओनली तो इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा प्राइमर एंड कलर करेक्शन दोनों साथ में हो गया है सो नाउ आई विल गो इन विद माई फाउंडेशन के लिए मैं ये स्टिक फाउंडेशन यूज कर रही हूँ सो so इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड uh, कर लूँगी तो मैं ये एक फ्लैट टॉप का बुकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ टू तो ब्लेंड माई फाउंडेशन जब भी हम क्रीम फाउंडेशन यूज करते हैं तो वो ब्लेंड ज्यादा बेहतर होते हैं ब्रश से एज कंपेयर टू द ब्यूटी ब्लेंडर। तो जब भी मैं स्टिक फाउंडेशन यूज करती हूँ तो आई प्रेफर ब्लेंडिंग इट आउट यूजिंग माई ब्रशेज तो मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया है आइस के अराउंड नहीं लगाया है बिकॉज अभी मैं उधर कंसीलर लगाऊंगी तो वो खाम का एक, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है तो अभी मैं फटाफट से ये फाउंडेशन थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लूँगी एंड देन मैं इसको अपने फिंगर की मदद से ये काफ़ी आप देखें तो क्रीमी कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक है तो इट वर्क्स वेरी गुड़ 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 गुड एज अ कंसीलर एंड इट इज़ सुपर हाई कवरेज एंड प्लस ये थोड़ा सा मेरी स्किन के लिए लाइट पड़ जाता है तो इसलिए मैं इसे कंसीलर की तरह यूज़ करना प्रेफर करती हूँ तो ये मेरी स्किन को अच्छे से ब्राइट भी कर देता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू कंसील एंड वेर एवर मुझे एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए होता है सो इट हेल्प्स विद डैट बट इसमें अगर आप अपना सही शेड ले लो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन एवर इसकी फिनिश इतनी अच्छी है एंड प्लस सुपर फुल कवरेज है ये so i really like that you, you, can see how beautifully it has concealed my under eye to abhi main fatafat se isko sponge ki madad se blend kar lungi तो अभी मैंने अपना concealer blend कर लिया अच्छे से और मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज ऐड किए मैं भूल गई थी starting में सो दीज आर रियली प्रिटी दीज आर इन द मिस्ट्री हेजल शेड फ्रॉम एक्वेलेंस तो अभी मैं अपना फेस सेट कर लूँगी और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर तो आज मैं बेकिंग करूँगी सो मैं इसी पाउडर पफ की मदद से ये लूज पाउडर अपनी अंडर आइज पे हल्का हल्का लगा लूँगी एंड देन आई लेट इट स्टे देयर पाउडर थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेके रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं हल्का हल्का डाप कर लूँगी जस्ट टू सेट द रेस्ट ऑफ माई फेस बट ज़्यादा पाउडर नहीं लगाऊंगी बिकॉज देन माई फेस लुक्स वेरी वेरी पाउडरी और उससे मेकअप केके होने के चांसेज भी बढ़ जाते हैं तो मैंने अपना पूरा फेस हल्का हल्का सेट कर लिया अंडर आइज पर मैं पाउडर थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी ताकि वो बेक हो जाए एंड अनटिल देन आई मूव टू माई आई मेकअप सो आई विल जूम यू गाइज़ इन बेटर तो अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मैं अपने आईब्राउज करूँगी एंड uh, आईब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईब्राउ पेंसिल मैंने इस पोली की मदद से अपने uh, आईब्राउ हेयर ऊपर की तरफ ब्रश कर लिए हैं अभी मैं अपनी आई ब्राउज फिल करूँगी इन जस्ट द यूजल वे पर मैं इसे बहुत ज़्यादा इसे ब्लॉक आईब्रो नहीं बनाऊँगी और uh, ना ही मैं इसे बहुत ओवर फिल करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट मोर ऑफ अचुरल काइंड ऑफ ब्राउ तो मैं सिर्फ जहाँ जहाँ पे मेरे गैप्स है सिर्फ उन्हीं को फिल करूंगी एंड अगेन गोइंग इन विदी ऑल डन सो अब मैं यही सेम इस साइड भी कर लेती हूँ अब मैं अपना आई मेकअप करूँगी सो so, आज का मैं पूरा मेकअप पिंक टोन्स की टर्ड्स रखूंगी और ऐसा मेकअप करेंगी जो कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन आउटफिट पर अच्छा लगे सबसे पहले मैं शुगर का ही डुअल आई शेडो यूज़ कर रही हूँ इसका क्रीम uh, साइड यूज करके मैं एक बेस दे दूँगी अपने आई को और अपने फिंगर की ही हेल्प से इसको पूरा ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से तो so अभी मैंने इसे अपने पूरी लिट पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है अभी मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे ऊपर की तरफ डिफ्यूज़ करूँगी ताकि देर आर नो हार्श एजेस ओके okay? क्रीम बेस देने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पाउडर आई बेस पे ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा उससे आपका आई भी सेव होगा और कम आई शेडो में ही आपको एक ज़्यादा पिगमेंटेड आई बेस मिलेगा जिससे कि आपके आई शेडोज काफ़ी अच्छे से पॉप होके आएंगे और जब इसके ऊपर आप अपना पाउडर आई शेडो लगाओगे तो वो होल्ड भी काफ़ी अच्छे से करता है सो so, मैंने ये कर लिया अभी यही सेम मैं दूसरी आई पे भी करूँगी मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ इसमें काफ़ी सुंदर न्यूट्रल्स एंड मोविश टोन्स हैं तो सबसे पहले मैं ये एक लाइट शेड लूँगी एनएल ब्लेंडेड अप वॉच ताकि एक तो थोड़ा ये क्रीम बेस सेट हो जाए एंड सेकेंडली ताकि एक ट्रांजिशन मिले सो आई एम यूजिंग द लाइटेस्ट शेड फॉर दैट अभी मैं ये मॉफ शेड लूँगी और इससे मैं अपनी आउटर कॉर्नर्स को अच्छे से डार्कन कर लूँगी थोड़ा सा टू गिव दैट डेप्थ सो दैट बींग डन ये जो मैंने डुअल आई शेडो लगाया था इसी का जो दूसरा साइड है जहाँ पे ग्लिटर वाला शेड है तो so, मैं इसको अपने इनर कॉर्नर से ले कर एक क्रीज जैसा बना के हाफ ऑफ द लिड पे अप्लाई कर लूँगी और आउटर कॉर्नर में मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये डिफ्यूज लगे पर अंदर की तरफ मैं इसके ऊपर ब्रश नहीं लगाऊंगी बिकॉज़ आई वॉन्ट दैट इंटेंसिटी अगर ब्रश से ब्लेंड कर दो तो फिर इसकी थोड़ी तो सी इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि जो स्पार्कल पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से फैल जाएंगे सो आई विल कीप इट दैट वे अभी मैं यही सेम इस साइड भी कर लूँगी सो so ये हो गया अभी ये जो बेक है ना मैं इसे डस्ट ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अब मुझे अपनी अंडर आइज़ पे काम करना है एंड द अंडर आइज़ लुक सो ब्यूटिफुल आफ्टर बेकिंग मज़े ही आ गया आज फर्स्ट टाइम मैंने बेक किया है एंड आई एम रियली लाइकिंग द लुक काफ़ी स्मूद मेरी अंडर आइज़ लग रही हैं सो so अभी मैं अंडर आई पे काम करूँगी तो उसके लिए बिकॉज़ ये इंडियन लुक है सो काजल इज़ अ मस्ट क्योंकि इंडियन लुक बिना काजल के तो कम्प्लीट नहीं होता है सो so मैं सबसे पहले अपनी बॉटर लाइन पर काजल लगा लूँगी और उसी काजल को थोड़ा सा मैं अपनी लोअर लाश लाइन पर लगाऊंगी एक लेके मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा स्मच करूंगी नाउ दैट डन अभी मैं इसके नीचे जो मॉफ शेड हमने यूज किया था उसी को ब्लेंड कर लूंगी अभी विल डू द सेम ऑन अदर आई सो अभी मैंने दोनों अंडर आईज पे काम कर लिया बहुत ही सुंदर लुक आया है एंड वो थोड़ा सा कोल नीचे स्मच कर लो ना तो एकदम इंडियन तड़का लग जाता है लुक को इट लुक्स ब्यूटीफुल अभी मैं ऊपर एक विंग डायलाइनर ड्रॉ करूंगी सी नाउ इट लुक्स कंप्लीट अभी यही मैं दूसरी आई पे भी कर लूंगी सो विंग डईलाइनर लग गया एंड एट इंस्टेंटली कंप्लीटेड द एंटायर लुक इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एवरीथिंग वॉज ऑन सो ब्यूटिफुली दिज लेंस एंड द कलर ऑफ द आई शेडो आई एम जस्ट लविंग द लुक अभी फटाफट से मैं मस्कारा लगा लेती हूँ बट मस्कारा लगाने से पहले आई कर् माई आईशेज यूजिंग द कलर आप चाहो तो इस पॉइंट पे फेक लैशेस भी लगा सकते हो बट बिकॉज माई आई मेकअप इज़ ऑलरेडी वेरी हैवी और वो बहुत सुंदर लग रहा है तो मैं थिक यू नो फॉल्सिस लगा के उसे कवर नहीं करना चाहती सो so मैं अच्छा सा एक मस्कारा लगा लूँगी ताकि मेरे लाशेज भी डिफाइन हो जाए और मेरा आई मेकअप भी हाइड ना हो सो आई रियली एम लाइकिंग दिस आई मेकअप तो मैंने अपने, अपने अपर और बॉटम दोनों आई लाशेज पर लगा लिया है मस्कारा and now the eye look is completely complete and it looks absolutely stunning i am loving it aap jo comments pe zara bata do fatafat se aapko kaisa eye look laga to abhi hum फटाफट अपना base makeup complete कर लेते हैं and i'll zoom you guys out now और फटाफट से मैं अपना फेस थोड़ा सा ब्रोंज कर लेती हूँ ताकि डाइमेंशंस वापस मिल जाएं फेस को ओके okay, ब्रॉन्जर लग गया है आप देख सकते हो मुझे कितना पसंद है ऑलमोस्ट हिट पैन ऑन दिस एंड अभी मैं ब्लश लगाऊंगी ब्लश के लिए मैं ना अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई फील इससे ना मेरा ब्लश बहुत ही अच्छे से स्मूथली ब्लेंड होता है और बहुत सुंदर लगता है सो लेटली दिस इज वॉट आई हैव बीन डूइंग मैं ब्रश से ब्लश लगाने के बदले अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लश लगाती हूँ एंड यू कैन सी इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल और मैं मेरे ना ब्लेंडर पे हमेशा सेटिंग में स्प्रेड होता है क्योंकि जब भी मैं ब्लेंड करती हूँ तो थोड़ा उसमें वो होता है सो so, उसकी वजह से ना मेरा ये जो है ना वो मेरे फेस पे पाउडर ही नहीं लगता है सो इट लुक्स वेरी वेरी स्किन लाइक एंड इट लुक्स एब्सिल्यूटली स्टनिंग तो आप ना ये टेक्निक ट्राई करके देखना और मुझे कॉमेंट में बताना कि आपको पसंद आई कि नहीं आई अभी मैं फटाफट अपना फेस हाईलाइट कर लेती हूँ हाईलाइटर मैं बहुत सटल यूज़ करूँगी री प्रिटी हाई लाइटिंग ऑल्सो डन तो एक बार मैं अपना फेस पूरा फटाफट से सेट कर लेती हूँ ये सेटिंग मिस से तो सेटिंग मिस जैसा कि मैंने बोला मैं अपने ब्लेंडर से यूज करती हूँ डायरेक्ट फेस फेस स्प्रे नहीं करती हूँ सो नाउ आई विल डैब इट ऑल अलॉन्ग माई फेस वेरी वेरी लाइटली ताकि एक्स्ट्रा पाउडर्स जो भी है वो पाउडरी पाउडरी मेल्ट हो जाए एंड इट ऑल लुक्स ब्यूटिफुल स्किन लाइक एंड देट बींग डन अब हम बचते हैं अपने लास्ट पार्ट के साथ दैट इज़ लिपस्टिक तो आज की लिपस्टिक के लिए आई एम गोइंग ऑन विथ दिस पिंक कलर बट अगर मुझे ज़्यादा लाउड लगा सो मैं इसे टोन डाउन कर लूँगी इस न्यूड कलर के साथ ओके सो दिस कलर इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी बहुत ही सुंदर पिंक कलर है बट आई थिंक ये मेरे आई मेकअप को ओवर पावर कर रहा है एंड आई डोंट वॉन्ट दैट तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये फटाफट पीची न्यूड कलर लगा लेती हूँ तो टोन डाउन सो अभी ये टर्न डाउन हो गया है बट आई एम स्टिल नॉट लाइकिंग इट ओके सो मुझे वो वाली लिपस्टिक पसंद नहीं आ रही थी बिकॉज इट वॉज नॉट गोइंग वेल विद माई मेकअप तो मैंने उसे चेंज करा है तो मैंने ये ब्राउन यूड लगाई उसके ऊपर हॉट एफ्रिकॉट लिक्विड उसके ऊपर प्लमियम और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाए ये एंड नाउ इट इज गोइंग परफेक्टली वेल विद माई आई मेकअप एंड एवरी थिंग इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल आई एम एप्सोल्यूटली लविंग दिस मेकअप लुक एंड माई लुक इज ऑल कम्प्लीट एंड आई एम इन लव विद दिस लुक And my look is all complete and I'm absolutely in love with this makeup look. तो so, मैं pink tone looks बहुत कम करती हूँ because I incline more towards the brown family. But आज मैंने ये pink look किया है काफी time के बाद एंड आई एम सो लविंग दिस लुक आप मुझे कॉमेंट्स में बताना की आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और अगर आप इस लुक को ट्राई करोगे तो आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे जरूर टैक करना ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फॉलो मी देयर इज वेल एंड मेरे दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी एक लाइव गिव अवे चल रहा है तो अगर आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं उसे यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूंगी आप उसे जरूर चेकआउट करना एंड या विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो राइट येल्फ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर i'll see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye